नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का हिंदी मतलब होता है अपने अधिकार का इस्तेमाल करके या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने परिवार वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने को हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर कंपटीशन हो रहा था वहाँ पर अपने लोगों को उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है, उनका ज़्यादा एक एडवांटेज दे देना उनको, तो उसको हम लोग कहेंगे नेपोटिज्म। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कुनबा परस्ती, स्वजन पक्षपात या भाई भतीजावाद। चलिए इसको सेंटेंस और बेहतर ढंग समझते हैं। नेपोटिज्म इज़ इन एवरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में भाई भतीजावाद है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। वी नीड टू स्टॉप नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। हमें राजनीति में भाई भतीजावाद को रोकने की जरूरत है क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र। अगर आपको भी अपने इंग्लिश को बेहतर करना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, इसी वीडियो में कैंपस सेशन में आ रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड अगर इस वीडियो से आपको सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड स्मार्ट वर्ड चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।